आज वाली क्लास भी शुरू करेंगे क्वेश्चंस के साथ, जो हमने लास्ट क्लास में पॉइंट्स करे उन पे बेस्ड अब हम लोग आज वाली क्लास में भी क्वेश्चंस करेंगे अटेम्प्ट। तो जब हमारे सामने क्वेश्चन आए तो उनको अटेम्प्ट करने से कभी भी हेजिटेट मत करा करो, बिल्कुल पूरी एग्रेशन में क्वेश्चंस करा करो कि हमारा होना चाहिए अपने आप। पर अगर पूरी तरह ट्राई करने के बाद भी अगर ना हो तो इट इज़ 100% ओके, क्योंकि कई बार ना क्वेश्चन जब हम लोग अटेम्प्ट करते हैं तो हमारे माइंड में लिंक्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमारा पहली बार अटेम्प्ट करने पे जवाब बने ही, अगर नहीं बनता आंसर देन ऑल्सो इट्स परफेक्टली ओके, कुछ नहीं होता। पर उस बात को समझा करो, उसके बाद उसका सोल्यूशन आएगा आपके सामने, तो देखा करो कि हम लोग क्या थॉट को मिस कर गए। एक क्वेश्चन को नहीं सोचना, ये सोचना कि क्या थॉट था जो हम लोग मिस कर गए, ऐसे सोचा करो। तो बिल्कुल कॉपी पेन के साथ रेडी हो जाओ और अब ये क्वेश्चन पहला अपने आप अटेम्प्ट करो। अब हमने ये क्वेश्चन करा अटेम्प्ट, हमें पी ऑफ एक्स गिवन था, एक पॉलिनोमियल का नाम डिफाइंड था, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा हमें गिवन था एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, और हमसे कहा गया था कि इस टर्म का जवाब निकालो। तो अब हमें अपनी स्ट्रैटेजी क्लियर थी कि एक काम करते हैं कि डायरेक्टली तो कुछ नहीं हो रहा, तो इन टर्म्स की अलग अलग हम लोग वैल्यूज निकाल देते हैं। तो हमें एग्जैक्टली ये करना चाहिए था, हमने पी ऑफ टू निकाल दिया। कैसे निकाला? सिंपली x की जगह उस एक्सप्रेशन में 2 फिल कर दिया, वो आ गया 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3, उसका आंसर आया माइनस 1। फिर हमने p ऑफ माइनस 1 निकाला, वो भी हमें समझ में आता है कि सिंपली जहाँ पे x है वहाँ पे माइनस 1 फिल कर दो, तो उसका आंसर आ गया 8। देखो बिल्कुल ऐसे, देखो हमें एग्जैक्टली ये टर्म बनानी चाहिए थी। माइनस 4 इंटू माइनस 1 कितना हो जाता? प्लस 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 4 5 प्लस 3 8, ये इसका आंसर बनता। सिमिलरली हमने p ऑफ 1/2 निकाला, p ऑफ 1/2 का मतलब क्या हो गया कि अब जो x है वो 1/2 है, तो सिंपली हमने इस टर्म में x की जगह 1/2 फिल करना था, तो हमने सिंपली x की जगह 1/2 फिल करा। ये आ गया 1/4 माइनस 4 इंटू 1/2 विच इज़ 2, 1/4 माइनस 2 प्लस 3, उसका हमने LCM लिया, वो सिंपली आ रहा है 5/4। तो जो जैसे हमने इन तीनों का जवाब बना लिया तो हमें समझ में आता है कि हमारा आंसर बनती ये एक्सप्रेशन, ये क्या बन गई? माइनस 1 माइनस 8 प्लस 5/4 जो हमसे पूछा गया था, उसका हमने LCM लिया और हमारा आंसर बना माइनस 31/4। तो एग्जैक्टली ये जवाब बनना चाहिए था। चलो अब इसी तरह का एक क्वेश्चन और करो। अब देखो हमने अभी ये टर्म करी अटेम्प्ट, अब देखो एग्जामिनर अब अगर मान लो हमसे अगर वो पूछ लें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो अब की बार देखो जो टर्म जिस तरीके से लिखी हुई है उससे एक बार हमें लगता है कि ये कुछ डिफरेंट होगा, पर ये बिल्कुल भी नहीं होता। हमें पी ऑफ एक्स गिवन है, हमने पी ऑफ एक्स निकालना है वो तो हमें पता ही है डायरेक्टली, ये हमें निकालना पड़ेगा पी ऑफ माइनस एक्स। अब हमें समझ में आता है कि p के अंदर अगर x को डालो तो उसका आंसर ये बनता है, x जो मर्जी टर्म हो। तो हमसे अगर p ऑफ माइनस x निकालने को कहा गया तो हमें समझ में आता है कि जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे बस हमने माइनस x फिल कर देना था। तो p ऑफ x तो हमें नोन ही था, p ऑफ माइनस x एक्चुअली बनाना वॉज द मेन स्किल। हमने जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे माइनस x फिल कर दिया, ये आ गया 2 इंटू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स की जगह माइनस एक्स प्लस 5। तो हमारी टर्म ये बननी चाहिए थी। अब माइनस एक्स के स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? देखो माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स विच इज़ व्हाट, माइनस माइनस क्या हो जाता? प्लस। तो ये क्या बनता? सिंपली 2x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये आता माइनस एक्स प्लस 5। तो p ऑफ माइनस एक्स वाली जो एक्सप्रेशन है वो ये बनी। अब हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो अब जब इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ऐसे लिखेंगे सिंपली। अब देखो 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, x प्लस का और यहाँ माइनस इंटू माइनस, वो भी बन गया प्लस x। तो x प्लस x कितने x हो गए? 2x,
उसका आंसर क्या बनता, 2x, वो तो आ गया डायरेक्टली 2x, 5 और आगे माइनस 5, ये भी आपस में कैंसिल. तो जो हमारा फाइनल आंसर बनना चाहिए था दैट शुड बी दिस 2x. इसको एग्जैक्टली ऐसे पकड़ते तो देखो कितना सिंपल था ये, पर हमारा जवाब बनना चाहिए था. देखो अभी हमने ये क्वेश्चन करा अटेम्प्ट, तो अब इसमें सारा रोल क्या था कि हम लोग मल्टीप्लाई करने में, देखो जब लिखते हो ना कॉपी में टर्म्स तो बिल्कुल भी ना घबराया करो, इन क्वेश्चंस में पूरी तरह एग्रेसिव हुआ करो. ये हमसे होंगे, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं सारे. ग्रेजुअली हम लोग उस लेवल पे चले जाएंगे जहां पे अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस ओरली, दीज आर सो सिंपल. पर अभी लिख के पहले अपने माइंड में एक रिदम बनाओ. कैसे? अब हमें कहा गया कि इस एक्सप्रेशन में से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करो, तो हमें समझ में आता है कि हमें ये करना चाहिए कि पहले इसको एक सिंपल पॉलिनोमियल के फॉर्म में बना लेना चाहिए. क्यों? जब वो पॉलिनोमियल हमारे पास रेडी होगा तो हम देख के बता सकेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है. तो हमने पहला काम क्या करा, इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करा, 2x इंटू ये पूरी एक्सप्रेशन, माइनस 5 इंटू ये पूरी एक्सप्रेशन. अब इनको मल्टीप्लाई करना हमने शुरू करा तो हमें टर्म ये मिल गई, ये आ गया 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, देखो ये प्लस 15x माइनस 5 इंटू 1 माइनस 15 माइनस 5, ये बननी चाहिए थी हमारी टर्म. अब देखो 4x क्यूब यहाँ पे आ रहा है, सारी x क्यूब वाली टर्म्स हम जमा करते हैं, यहाँ पे x क्यूब है, कहीं और x क्यूब है? नहीं है, तो डायरेक्टली 4x क्यूब आ जाएगा. माइनस 6x स्क्वायर ये रहा, और कहीं है x स्क्वायर? ये रहा माइनस 10x स्क्वायर. तो माइनस 6x स्क्वायर और माइनस 10x स्क्वायर, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये मिला के ऐड हो गए विथ अ माइनस साइन, ये आ गया माइनस 16x स्क्वायर, 2x प्लस 15x, तो टोटल कितने x हो गए? यहाँ पे 2x है, मतलब x प्लस 6, 15x का मतलब 15 बार x, तो टोटल x गिनती में कितने आ गए? 17x. और कांस्टेंट क्या है अकेला? माइनस 5. तो ये हमने इस पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई कर लिया. अब इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या आ रहा है? माइनस 16. हमारा आंसर होना चाहिए था माइनस 16 विथ एग्जैक्टली दिस लॉजिक एंड एग्जैक्टली दिस रीजनिंग. और ये बहुत सिंपल होते हैं, इनको बिल्कुल गलत नहीं करना चाहिए. अगर मान लो किसी ने टर्म में गड़बड़ करी भी तो अपनी टर्म को ऑब्जर्व करो कि हमारी गड़बड़ मोस्ट प्रॉब्ली जो मिस्टेक होती है वो मल्टीप्लिकेशन में होती है, तो हमें मल्टीप्लिकेशन की मिस्टेक अवॉइड करनी चाहिए. तो हमारा फाइनल आंसर शुड बी माइनस 60. अब नेक्स्ट पॉइंट देखो. क्वेश्चंस की वैरायटी जब नई होती है ना, वही हमारे स्किल को एनहांस करती है, इस बात को हमेशा याद रखना. नया क्वेश्चन ही एक्चुअली हमें पुश करता है कि हम नई बात सोचें, तो उन पे कभी हेजिटेट ना करा करो. जैसे अब हमने अभी ये एक्सप्रेशन करी डील, तो हमें पी ऑफ एक्स गिवन था, हमें कहा गया कि फाइंड पी ऑफ एक्स प्लस 1. तो हमारे माइंड में पिक्चर क्या बनी होनी चाहिए कि पी ऑफ एक्स का मतलब इस मशीन में जब एक्स को डालो तो उसकी उसका जवाब ये बनता है. तो हमसे पूछा गया कि अगर इस टर्म में एक्स प्लस 1 को फिल करें तो क्या होगा. तो हमें समझ में आना चाहिए था स्ट्रेट फॉरवर्ड कि जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे सिंपली एक्स प्लस 1 फिल कर दो. तो हमें बिल्कुल पूरी तरह समझ में आना चाहिए था कि हमारी टर्म ये बनेगी. देखो तो शुरू में ना कई बार क्या होता है कि हम लोग आउट ऑफ फियर, एक बच्चा सोचता है कि p ऑफ x प्लस 1 को वो पी एक्स प्लस अलग से 1 या फिर पी 1 बना दे. ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए. p ऑफ x प्लस 1 का मतलब क्या बना कि जहां पे x लिखा हुआ है बस उस x की जगह x प्लस 1 लिख दो. इसको ये बिल्कुल भी नहीं बनाना, ऐसे की मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी. डायरेक्टली जहां जहां पे x है वहां वहां पे x प्लस 1 फिल कर दो. अब ये क्वेश्चन हमारे कंट्रोल में है, x प्लस 1 का स्क्वायर, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आ गया हमारे सामने. वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बनी एक्सप्रेशन, प्लस 2x प्लस 2 प्लस 5. अब हमने सारी x स्क्वायर वाली टर्म्स एक साथ लिख ली, x स्क्वायर यहाँ पे एक ही आ रहा था, x वाली टर्म ये 2x और ये आगे 2x, ये मिला के बन गया
4x, ये 1, ये 2 और ये 5, 7 plus 1, 8, ये बनी हमारी complete expression, हमारा जवाब बिल्कुल ये बनना चाहिए था। देखो कितना straightforward point है, बस इनको लिखने से हमने hesitate नहीं करना होता, बिल्कुल ऐसे जो भी term आए, बिल्कुल बिना किसी भी scare में आए, किसी भी तरह के डर को अपने mind पे लाए बिना इस तरह के term बनानी चाहिए थी। अब next point देखते हैं। अब ना अभी आज के दिन का जो पहला आसान सा नया नाम है वो ये है, बस इस नाम को देखना, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ट्रिकी नहीं है नाम, वो है एक्चुअली ये 3 न्यू नेम्स। पहला नाम है कि कोई पॉलिनोमियल ऐसा हो जिसकी डिग्री 1 हो, उसको बोलते हैं एक लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 1 वाला। डिग्री 1 का मतलब x की पावर कितनी होगी, 1। कोई एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो मान लो 2x + 3, ये कैसे का पॉलिनोमियल बना, इसमें x की डिग्री कितनी है, 1, तो ये पॉलिनोमियल कैसा बना, लीनियर। ऐसे मान लो किसी और ने बोला सिंपली 4x, तो ये भी सही है। मान लो किसी और के मन में आया 5 - x, तो ये भी ठीक है। इसमें x की पावर कितनी है, 1, तो ये कैसे पॉलिनोमियल बना, लीनियर। सिमिलरली सेकंड जो नाम हमने सुनना है वो ये कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 2 हो तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये नाम हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली फेस करेंगे, तो इसलिए इसको बस इन नामों को ध्यान में रखना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है। कोई एग्जांपल अगर हम इसका देखें तो मान लो 2x² + 5x - 3, या फिर x² + 4x + 1। देखो इसमें x की डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल में, 2। इस पॉलिनोमियल में भी डिग्री कितनी है, 2, तो दिस इज आवर रिक्वायरमेंट। इस केस में जो पॉलिनोमियल बना दैट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बस ये सिंपल सा नाम याद रखना। सिमिलरली थर्ड नेम है क्यूबिक पॉलिनोमियल, कोई ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो। कोई एग्जांपल अगर देखें तो x³ + 5x - 1, ये एक ऐसा पॉलिनोमियल बना जिसकी डिग्री 3 है। तो बस इन 3 नए नामों को, वी हैव टू एक्चुअली जस्ट कीप दीज 3 न्यू नेम्स इन टू आर माइंड्स, देर इज नथिंग स्पेशल। बस ये हमारे सामने नाम आए तो हमें फटाफट अपने माइंड में क्लिक कराना चाहिए कि हाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नाम आया, मतलब उसकी डिग्री 2 है। और हम इतनी ज़्यादा बार इन नामों को कर लेंगे इन द कमिंग टाइम कि ये हमें वैसे भी पूरी तरह आ जाते हैं हमारी मेमोरी में, तो ये बहुत स्पेशल पॉइंट नहीं है। जो हमने नई इंटरेस्टिंग बात सुननी है वो एक्चुअली अब है, वो पॉइंट समझना। अब ना ये नया नाम देखना, और ये है बहुत आसान, पर हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली इस पर क्वेश्चंस भी फेस करेंगे। तो जो अभी हमने नई बात सुननी है वो है ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखो इस नाम का मतलब क्या होता है, सुनना पहले ध्यान से। ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि इस पॉलिनोमियल p ऑफ x में हम लोग x को क्या डाल दें, p ऑफ x में x को क्या वैल्यू पुट करें जिससे p ऑफ x का जो आंसर आए वो ज़ीरो आए। अब देखो उसी बात को यहाँ पे एक्सप्रेस करा गया है, अ रियल नंबर k इज सेट टू बी अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px इफ p ऑफ k इज ज़ीरो। इसका मतलब क्या हो गया कि ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होता है वो नंबर जिसको कि पॉलिनोमियल में डाले जाने पे पॉलिनोमियल का आंसर ज़ीरो आ जाए, पॉलिनोमियल का आंसर ज़ीरो आ जाए। अब इसका अगर हम कोई एग्जांपल पकड़ें तो मान लो टर्म होती px बराबर होता है x - 1 के, तो अगर px बराबर होता x - 1 के तो हम लोग चाहते हैं कि x को क्या लें जिससे कि इस पूरी टर्म का आंसर px का आंसर ज़ीरो आ जाए। तो हमने x - 1 को ज़ीरो करा, x - 1 पूरे का आंसर ज़ीरो आना चाहिए, px का जवाब ज़ीरो आना चाहिए, तो वहाँ से x कितना आ गया, 1। इसका मतलब x = 1 इज द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल px। तो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो किसको बोलेंगे, 1 को, क्यों, क्योंकि इसमें 1 डाले जाने पे इस पॉलिनोमियल का आंसर ज़ीरो आता है। तो देखो कितना सिंपल पैटर्न है, पर अपने माइंड में बोलना ऐसे है, और बहुत सिंपल है, बस ये पॉइंट याद रखना। अब चलो, अब मान लो अगर हम लोग ये सेकंड एग्जांपल देखते, मान लो हमें px दिया गया 2x - 3,
हमसे कहा जाए कि फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो हमारे मन में लाइन क्या आनी चाहिए कि वी हैव टू फाइंड दैट एक्स सच दैट पी एक्स बिकम्स जीरो। तो हम चाहते हैं कि पी एक्स का जो आंसर है वो जीरो आ जाए, तो वो किस एक्स पे आएगा, वो एक्स हमने फाइंड करना है। तो इस केस में रियलाइज हुआ कि 2x माइनस 3 का जवाब जीरो आना चाहिए, तो 2x बराबर आ गया 3 के, वहां से x आ गया 3/2। तो इस केस में इस पॉलिनोमियल पी एक्स का जो जीरो बना दैट इज 3/2। सो 3/2 इज द जीरो ऑफ पी एक्स। इसको हमें एग्जैक्टली ऐसे पकड़ना चाहिए था। तो हमें रियलाइज हुआ कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नाम का मतलब क्या होता है। अब बिल्कुल हमें इतनी आसान सी बात बिल्कुल पूरी तरह माइंड में समझ में आनी चाहिए कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब होता है वो वैल्यू जिसको डाले जाने पे एक्स की जगह जो पॉलिनोमियल का जवाब आए वो जीरो आए। बस इस पॉइंट को नहीं छोड़ना। अच्छा, मान लो क्वेश्चन होता कि पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और हमसे कहा जाता कि चेक वेदर x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 आर जीरोज ऑफ पी एक्स और नॉट। हमसे कहा गया कि चेक करो। तो अगर अब अपने मन में सोचो कि अगर 1 इसका जीरो होगा, अगर 1 इसका जीरो होगा ये कैसे चेक करें, तो क्या हमें डायरेक्टली ये क्लिक करता है कि 1 अगर इस पॉलिनोमियल का जीरो है तो इस पॉलिनोमियल में x की जगह 1 डाले जाने पे इसका आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। सिमिलरली 2 डाले जाने पे आंसर भी जीरो आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे x की जगह 1 को फिल करा, ये आ गया 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, वो आ गया 1 प्लस 1 2 माइनस 2 दैट इज जीरो। तो p ऑफ 1 जीरो आ रहा है, इसका मतलब 1 इस पॉलिनोमियल का जीरो है। अब हमने x को 2 पुट कराया तो x को 2 लिए जाने पे एक्सप्रेशन बन गई 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1, उसका आंसर आया 1 विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होता कि 1 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल बट 2 इज नॉट अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो अगर चेक करने को कहा जाता तो उसमें जो लॉजिक लगता वो एग्जैक्टली यही होता। तो देर इज नथिंग न्यू, इतनी सी ही बात है, सारे क्वेश्चंस इतनी सी बात पे ही बेस्ड होंगे। बस ये पेज, ये पॉइंट को अपने माइंड में रखना। चलो अब डायरेक्टली इस बात पे बेस्ड ये क्वेश्चन जरा अपने आप अटेम्प्ट करो, इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान में रखो और अब जो क्वेश्चन आ रहा है उसको जरा खुद से अटेम्प्ट करो पहले। चलो ये क्वेश्चन करो अटेम्प्ट। अब देखो ये थी एक्सप्रेशन, हमसे कहा गया कि वेरीफाई वेदर माइनस वन एंड 3/2 आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। तो हमें क्या करना चाहिए था, हमें डायरेक्टली समझ में आता था कि अगर ये इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं तो इन वैल्यूज को x की जगह डाले जाने पे, मतलब p ऑफ माइनस 1 निकाले जाने पे आंसर शुड बी जीरो। तो हमने p ऑफ माइनस 1 निकाला, जहां जहां पे x था वहां वहां पे हमने माइनस 1 फिल करा। माइनस 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1, तीन बार माइनस वाली टर्म्स मल्टीप्लाई कर रही हैं, वो आ जाएगा माइनस 1। तो ये टर्म बनेगी माइनस 2, 9 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 9 इंटू 1 विच इज माइनस 9 प्लस माइनस 1 प्लस 12। तो हमारी टर्म बनी माइनस 2 माइनस 9 माइनस 1 प्लस 12, उसका आंसर आ गया माइनस 12 प्लस 12 विच इज 0। तो p ऑफ माइनस 1 0 आ रहा था, इसका मतलब माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का 0 है, इसको बिल्कुल ऐसे बोलेंगे हम लोग। अब हमने 3/2 को चेक करा, कैसे चेक करेंगे, सेम स्ट्रैटेजी, हमने x की जगह 3/2 फिल करा, 2 इंटू 3/2 का क्यूब, मतलब 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2, माइनस 9 इंटू 3/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 12। हमने उस टर्म को बनाया, वो आ गया 2 इंटू 27/8 माइनस 9 इंटू 9/4 प्लस 3/2 प्लस 12। टर्म सिंप्लीफाई करी, उसका एलसीएम लिया, डायरेक्टली आंसर बनाया विच वॉज अगेन 0। इसका मतलब p ऑफ 3/2 भी 0 आ रहा था, उसका मतलब क्या हुआ कि 3/2 भी इस पॉलिनोमियल का जीरो है, इसको बिल्कुल ऐसे बोलना चाहिए था। तो इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो एक्चुअली इन क्वेश्चंस में कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी और जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नाम को ध्यान में रखना है कि वो होता क्या है, फिर इसमें क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होते। बहुत सिंपल पॉइंट है, बस इस पॉइंट को ध्यान में रखना। चलो अब ये क्वेश्चन करो।
देखो अब जैसे ये एक्सप्रेशन थी, अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था और ये होना ही चाहिए हमसे। हमें पी एक्स डिफाइंड है, क्वेश्चन था फाइंड जीरो ऑफ पी एक्स। तो हमारे डायरेक्टली हमारे माइंड में ये विजन अब बना हुआ है कि वी हैव टू फाइंड दैट एक्स सच दैट पी एक्स बिकम्स जीरो। तो हमने वो एक्स फाइंड करना है जिससे कि इस एक्सप्रेशन का आंसर जीरो आ जाए, मतलब 4x माइनस 3 का जवाब जीरो आ जाए। 4x माइनस 3 जीरो, मतलब 4x इज इक्वल टू 3, मतलब x इज इक्वल टू 3/4। दिस वॉज सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल पी एक्स इज 3/4, ये हमें मेंशन कर देना चाहिए था। 3/4 इज द जीरो ऑफ पी एक्स। देखो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सिंपल सा क्वेश्चन था आला। अब नेक्स्ट खुद करो। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। हमें दिया गया कि पी एक्स अगर ये एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है, और हमसे कहा गया कि इफ एक्स इज इक्वल टू -1 इज अ जीरो ऑफ पी एक्स फाइंड के। तो हमें डायरेक्टली अभी ये समझ में आता है कि अगर -1 अगर इस पॉलिनोमियल का जीरो है, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल में एक्स की जगह -1 डाले जाने पे इस पॉलिनोमियल का जवाब जीरो आएगा। तो हमने यहाँ पे एक्स की जगह -1 फिल कर दिया। डायरेक्टली पी ऑफ -1 शुड बी जीरो। तो 2 × -1 का क्यूब प्लस 3 × -1 का स्क्वायर -5 × -1 प्लस के, दिस शुड बी जीरो। ये आ गया -1 का क्यूब -1 × 2 -2 प्लस -1 का स्क्वायर, ये आ गया 3 -, प्लस +5 प्लस के जीरो, के प्लस 6 जीरो, वहाँ से के आ गया -6। ये हमारा आंसर था फाइनल, के इज इक्वल टू -6। और देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था ये वाला भी। अब बिल्कुल इसी तरह के थॉट प्रोसेस पे एक क्वेश्चन ज़रा और अपने आप करो। देखो अब ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन था और ये सही करना है, इसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक्स नहीं करनी। वही वो जगह है जहाँ पे कि हम मिस्टेक करने की हमारी पॉसिबिलिटी होती है। तो अपनी कैलकुलेशंस को देखा करो, तो उससे हमारा ना अपने आप विजन बढ़ना शुरू होता है कि हम कहाँ मिस्टेक कर सकते हैं। तो हमने टर्म बनाई। अब इस क्वेश्चन में 1/2 हमें गिवन था कि इस पॉलिनोमियल का जीरो है, मतलब एक्स की जगह 1/2 डाले जाने पर आंसर शुड बी जीरो। तो हमने एक्स की जगह 1/2 फिल कर दिया। 2 × 1/2 का क्यूब प्लस 8 × 1/2 का स्क्वायर प्लस 11 × 1/2 प्लस ए प्लस 3, इसका आंसर जीरो आना चाहिए। अब ज़रा इस टर्म को बनाते हैं। ये आ गया 2 × 1/2 का क्यूब विच इज़ 1/8, ए बाई 4। बिल्कुल देखो 1/2 का स्क्वायर इज़ 1/4 प्लस 11/2 प्लस ए प्लस 3, ये बनी एक्सप्रेशन। इसका हमने एलसीएम लिया, टर्म आ रही थी 8, एलसीएम लेके हमें ये मिल गया एक्सप्रेशन। इसको ज़ीरो होना चाहिए। 8 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 0 × 8 इज ज़ीरो। अब सारी a वाले टर्म्स को एक साथ करा, 2a प्लस 8a, ये आ गया 10a। बाकी टर्म्स को जोड़ा, ये आ गया 44 प्लस 2 46 प्लस 24, दैट इज डायरेक्टली 70। तो ये एक्सप्रेशन आ गई 10a प्लस 70 इज इक्वल टू ज़ीरो। वहाँ से 10a आ गया -70, a आ गया 70 अपॉन 10, दैट इज -7। तो देखो सोचना कैसे है इन क्वेश्चंस में, देर इज़ नो ट्रिक। पहली बात, हमें जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नाम का मतलब समझ में आता है। दूसरी बात, हम लोग कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करेंगे, तो फिर ये क्वेश्चंस गलत नहीं होते। दिस इज़ एक्चुअली वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बस इस पॉइंट को माइंड में रखना है। अब ना आज वाली क्लास में हमने नया नाम करा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, उस पर हमने थोड़े से क्वेश्चंस देखे। नेक्स्ट क्लास में इसी भी क्वेश्चंस को थोड़ा और पुश करेंगे। तो बस ध्यान में रखना कि पॉइंट्स हद से ज़्यादा सिंपल हैं, आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा सिंपल है। बस कहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ होती है कि क्योंकि हम लोग इसको लॉजिकली डील कर रहे हैं, तो वी वुड बी ऑलवेज सरप्राइज कि इस पॉइंट्स में कहाँ पे कोई कैसे फंस सकता है। दे आर एक्चुअली सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। बस जैसे बताया जाए बिल्कुल उस तरह से अपने माइंड में रखा करो। और कभी भी अगर हमारे माइंड में नया थॉट आए कि इस क्वेश्चन को ऐसे क्यों नहीं कर सकते, ये बात क्यों ना सोचा करें, वो सब बिल्कुल डायरेक्टली भेजा करो, तो उससे दे वुड बी मोर क्लेरिटी, हमें और बात समझ में आएगी। और बिल्कुल अपने माइंड को हमेशा एक्सप्लोर करने वाले जोन में रखा करो कि नई बात हमें क्लिक करी, बहुत अच्छा है। तो बस चलो अभी जो काम हमने अभी आज करा उसको रिवाइज करो, इसी से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।